Good afternoon and assalamu alaikum. Today's lecture is about financial recording. All the subjects all over the world are divided into two sciences, pure sciences and social sciences. Social sciences mein wo subject hote hain jin mein मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर आपको रेड रंग पसंद है और मुझे वाइट रंग पसंद है। अब कौन गलत है कौन सही है, दोनों ठीक है। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, दीज ऑल सब्जेक्ट्स रिलेट टू सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो इटसेल्फ फिक्स्ड नहीं होते। प्योर साइंसेज में जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री H2O स्टैंड्स फॉर वाटर। तो चाहे आप कराची में हो, चाहे आप लाहौर में हो, चाहे आप मरी में हो, चाहे आप मस्कत में हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में जब यू ओपन H2O तो जवाब आएगा पानी। दैट इज प्योर साइंसेस। अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस। अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है, and that is called economics. And there is a branch of economics that is called financial economics. Or financial economics ki ek branch hai, that is, and financial economics ka ek subject hai, that is called accounting. Accounting mein do baatein hain. Accounting do kisam ki hai, mujhe yun keh dena chahiye, financial accounting and management accounting. Financial accounting is called external accounting and management accounting is called internal accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी है, नंबर वन फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग एंड नंबर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब कभी हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कर रहे हैं, जब हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे। मैं बात क्या कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, ट्रांजेक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इन पास्ट विद द मनी वैल्यू। शोएब बॉट ए कार बाय कैश ₹500,000, दैट इज ए ट्रांजेक्शन। आई विल बाय ए लैपटॉप इन जुलाई ₹50,000, दैट इज नॉट ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पास्ट में होनी चाहिए और मनी वैल्यू में होनी चाहिए, दैट इज ए ट्रांजेक्शन। मैं सो गया था, दैट इज नॉट ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स जैसे ही होती हैं वैसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ, प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो जो ट्रांजेक्शन है उसका प्रूफ चाहिए मुझे, तो सोर्स डॉक्यूमेंट। बिल, इनवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दीज आर वॉट, दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम अगले स्टेज में डे बुक्स में एंटर कर देते हैं, डे बुक्स। डे बुक्स का दूसरा नाम है जर्नल। सिक्स जर्नल्स, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक और जर्नल जर्नल। ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहे तो वो एक ही जर्नल बनाए जर्नल जर्नल, तो दैट इज अलाउड, दे कैन मेक इट। सारी एंट्रीज जर्नल जर्नल में। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो सिक्स डे बुक्स बनाए तो फिर वो सिक्स डे बुक्स बनाएगी। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करना चाह रही है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन सिक्स डे बुक्स को मैं आपसे किसी वक्त डिस्कस करूंगा, इनकी फिलॉसफी क्या है। डे बुक से डेटा जाता है लेजर्स में, लेजर भी तीन है, GL, SL, PL, जर्नल लेजर, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। अब डिपेंड ये करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो जर्नल लेजर ही बनाए, सारे अकाउंट वहीं मेंटेन करें, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। उनको नहीं बनाना सेल्स जर्नल, नहीं बनाना परचेज जर्नल, वो जर्नल लेजर में सारे टी अकाउंट्स बना रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। वरना सेल्स जर्नल बनेगा क्रेडिट कस्टमर्स के लिए, परचेज जर्नल बनेगा क्रेडिट सप्लायर्स के लिए। उन जर्नल में बनेंगे टी अकाउंट्स। ये टी अकाउंट्स पांच अकाउंट्स के होते हैं, पांच, CLEAR, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू। इन टी अकाउंट्स को जब हम बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए
क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि जनाब अली ये टी अकाउंट्स में जो अकाउंट्स बनते हैं वो या तो रियल अकाउंट होते हैं या नॉमिनल अकाउंट होते हैं या पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट का मतलब एसेट्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब कोई भी एक्सपेंस या इनकम अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का मतलब उधार के अकाउंट, डेटर्स या क्रेडिटर्स के अकाउंट, या डेटर्स के अकाउंट या क्रेडिटर्स के अकाउंट, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट, पेएबल अकाउंट। इन अकाउंट्स को बनाने की जो फिलॉसफी है वो एक सिस्टम पर बेस करती है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई लुकस पिकोली इन 1454 में। लुकस पिकोली ने एक सोशल साइंटिस्ट था, ये इटली पहुंचा फ्रांस से, और उसने जनाब अली ये डबल एंट्री स्टार्ट की। ये डबल एंट्री किस तरह होती है कि इसकी डबल एंट्री को समझने के लिए हमें ये चाहिए कि हम ये समझें कि डबल एंट्री से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं जो आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी डबल एंट्री। फोर IQs, फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेन एवर यू सी ए ट्रांजेक्शन आस्क फोर क्वेश्चंस। नंबर वन, व्हाट आइटम्स? नंबर टू, व्हाट इज देयर टाइप? नंबर थ्री, दीज अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? नंबर फोर, दीज अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड? अब डेबिट और क्रेडिट बढ़ने और घटने का नाम नहीं है। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टी शेप, एंड राइट हैंड साइड ऑफ द टी शेप इज क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, एक अकाउंट डेबिट एक क्रेडिट, कभी दोनों डेबिट नहीं, कभी दोनों क्रेडिट नहीं। हो सकता है बहुत सारे डेबिट और एक क्रेडिट, हो सकता है बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट, हो सकता है एक डेबिट बहुत सारे क्रेडिट, लेकिन उनके अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के हमेशा सेम होंगे, उसे कहते हैं हम कंपाउंड एंट्री। तो जब कंपाउंड एंट्री बन जाएगी तो हम डेबिट क्रेडिट बना लेंगे। अब डेबिट क्रेडिट का रूल, ऑल एसेट्स जब इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ऑल इनकम जब इंक्रीज करेंगी, ऑल एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस समझ लें, और एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ऑल लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे डेबिट हो जाएंगे। क्यों? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये ऐसा ही है, जैसे मैंने सलवार कमीज इस पर पहना है वाइट, इसका रंग वाइट क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं? इसका रंग वाइट इसलिए बाय डिफॉल्ट, हमें यही बताया गया। अब जब टी अकाउंट बन जाएंगे, अलग 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 अकाउंट बन जाएंगे तमाम अकाउंट्स के, तो वहाँ से डेटा, उसमें टी अकाउंट में डेटा कहाँ से आएगा? जर्नल में से आएगा। जर्नल से, जर्नल में डेटा एंटर होगा, लफ्ज़ है एंटर, और टी अकाउंट में डेटा पोस्ट होगा, डेट वर्ड है पोस्टिंग। डेबिट नंबर डेबिट साइड पर, क्रेडिट नंबर क्रेडिट साइड पर, मुख्तलिफ अकाउंट्स, एक अकाउंट सिर्फ एक ही दफ़ा बनेगा, बार बार एक अकाउंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद उन डेटा से हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, वही क्लोजिंग बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंस बनेंगे, और वो ओपनिंग बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में, जो कि अगला स्टेप है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट विच शोज एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, उसमें हम पोस्ट कर देंगे, उसमें हम रिकॉर्ड कर देंगे कैश कितना बचा डेबिट साइड पर कैश। ये जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ये डेड क्लिक, एक और निमोनिक है डेड क्लिक, DEAD, डेड CLIC, क्लिक, डेड क्लिक। पहले डी का मतलब है डेबिट, एक्सपेंस एसेट और ड्राइंग, डेड हो गया एक्सपेंस एसेट ड्राइंग, ये हमेशा डेबिट होंगे ट्रायल बैलेंस में, कभी क्रेडिट नहीं होंगे। क्लिक, क्लिक का सी का मतलब है क्रेडिट, लिक का मतलब LIC, क्लिक, LIC का मतलब हुआ लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल, ये हमेशा और हमेशा क्रेडिट होंगे, कभी डेबिट नहीं होंगे ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस बनने में जो टी अकाउंट की फिलॉसफी है वो क्या है? मैं कैश अकाउंट आपके सामने ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बैंक अकाउंट अगर उसका पॉजिटिव बैलेंस निकलेगा तो वो एसिड होगा, लेकिन हो सकता है हमने बैंक से पैसे उधार लेके खा लिए हों तो फिर बैंक नेगेटिव बैलेंस होगा, वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश का अकाउंट हम लेते हैं और कैश में आपको बताता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 5000 से, तो डबल एंट्री बनी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब कैश का टी अकाउंट बनाएंगे, टॉप पर कैश लिखेंगे, टी शेप बना के टॉप पर कैश लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट DR डेबिट रिकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड पर CR क्रेडिट रिकॉर्डिंग, और अकाउंट के अंदर हम करेंसी यूनिट लिख देंगे CU करेंसी यूनिट, पाक रुपीस डॉलर पाउंड जो भी जिस कंट्री में। डबल एंट्री क्या बनी थी? हमने कैश से इन्वेस्टमेंट की कैश के थ्रू, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो कैश के अकाउंट में कैश को डेबिट जो किया था 5000, वो 5000 कैश के टी अकाउंट में हम 5000 डेबिट साइड पर नंबर लिख देंगे, डेट डाल देंगे डेबिट साइड पर, और उसका रीज़न लिखेंगे उस डेट के बाद
और अमाउंट से पहले डेबिट साइड पर, और वो रीज़न कहलाएगा कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि कैश अकाउंट में कैपिटल डेबिट हो रहा है, इस तरह पढ़ना गलत है। हमें कहना चाहिए कैश अमाउंट 5000 इज़ डेबिटेड एंड द रेफरेंस इज़ कैपिटल। उसके बाद पता ये चला कि हमने कैश सेल्स की, तो कैश सेल्स की तो पैसा आया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 5000 और आ गए हमारे पास। हमने कैश का भी अकाउंट बनाया, हमने सेल का भी अकाउंट, अब कैश का अकाउंट दोबारा नहीं बनाएंगे, उसी अकाउंट में कैश के अकाउंट में जाकर हम डेबिट साइड पर कैश की 5000 की पोस्टिंग कर देंगे। 5000 पहले था, 5000 अब आ गया, और इस 5000 को हम रीज़न लिखेंगे सेल्स अमाउंट, डेट डाल देंगे। पता चला हमने 3000 की रेंट की पेमेंट की, तो डबल एंट्री बनी, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, पैसा चला गया। तो पैसा जब गया तो कैश क्रेडिट हो गया। अब हम उसी कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आके कैश को हम क्रेडिट करेंगे, 3000 लिख देंगे, डेट डाल देंगे, और हम 3000 लिखकर रीज़न लिख देंगे रेंट। हमने सैलरी भी दी 1000 रुपये की। शुएब भाई कैमरा बंद कर दें, शुएब भाई कैमरा बंद कर दें, शायद उनको आसानी हो जाएगी, थैंक यू। तो ये सर मेरी क्लास भी है, तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, अवामुन्नास को। तो अब जवाब आली क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने जो है वो पेमेंट की जनाब आली, एक और पेमेंट कर दी 1000 रुपये की। तो डबल एंट्री क्या बनी, वो हमने छोटा सा कोई एक्सपेंस पे कर दिया, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब 1000 रुपये हमने क्रेडिट साइड पर फिर लिख दिए, 2000 रेंट के हम पहले लिख चुके थे। अब हम